नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फैंसी बाजार गुवाहाटी मंडी में वेजिटेबल मार्केट में। चलिए आज सब्जियों का भाव वापस लेने की कोशिश करेंगे कि कौन सा भाव क्या चल रहा है, कौन सी सब्जी का क्या भाव चल रहा है। लेकिन मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने देखा है मोटा मोटी लोग बिना सब्सक्राइब करे ही वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। किसी भाई को भाव कीजिए तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज अलग साइड के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या बिक रहा है और वो भाव देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इस साइड से ये GMC मार्केट के अंदर घुसा जाता है जहाँ पे सब्जियों का काम होता है, ये पूरा मार्केट उसी चीज़ का है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा आइटम क्या भाव बिक रहा है। तो इधर टमाटर दिखाई दे रहा है, टमाटर दिखाते हैं आपको। ये टमाटर है सारे के सारे और ये गाजर है। मालिक, गाजर टमाटर क्या भाव बेच रहे हैं? गाजर 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। 40-50 रुपए किलो। टमाटर क्या भाव चल रहा है? टमाटर 25-20। और ये फली बीन्स 35। ये सर आसाम का ही माल है क्या? मेघालय का, सर शिलोंग का माल है। तो ये इधर इसका भाव तो देख ही लिया, आगे देखते हैं आगे क्या और क्या दिखाई देता है। और उधर अदरक दिखाई दे रही है, तो अदरक का भी भाव जानने की कोशिश करते हैं। मालिक, लहसुन क्या भाव बेच रहे हैं? 450 रुपए के जी पल्ला। अच्छा, 5 KG का। और अदरक क्या भाव बेच रहे हैं? 900 रुपया पल्ला। ओके, अदरक का मेघालय का है का आसाम का है? आसाम का है कि मेघालय का है? मेघालय का। तो ये अदरक मेघालय की, ये 900 रुपये पल्ला, मतलब डिवाइडेड बाय 5 हो गया ये, मतलब एक पल्ला 5 KG का होता है, जो मैंने आपको पहले बताया ही था। कम बोला रेट, 1000 रुपये बेचता है। ओ तो कम नहीं बोलना चाहिए ना, जो रेट है वही बोलिए, सारी दुनिया देखती है रेट। ये क्या भाव बेच रहे हैं ये वाला? 150। कहाँ का माल है? चलो कोई नहीं, मालिक कोई भी हो, कहाँ का माल कहाँ का है ये वाला? बरपेटा, आसाम का लोकल हो गया मतलब। तो ये बरपेटा का ये माल था, ये तो दिखाई दिया, अब आगे वो देखते हैं कि आगे कोई गाड़ी वाड़ी आई हुई इस चीज़ के, आगे दिखाई तो दे रही है। इधर तो इसने 25 रुपये टमाटर बोला है, तो टाइप ऑफ रिटेल हो गया। लेकिन इधर देखते हैं होलसेल के अंदर कोई चीज़ दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है, और क्या भाव बेच रहे होंगे ये भी देखते हैं। इधर कैप्सिकम तो दिखाई दे रही है, लेकिन आदमी नहीं दिखाई दे रहा, क्या भाव बेच रहे हैं। इधर ये टमाटर आया हुआ है, टमाटर देखते हैं क्या भाव बिक रहा है। मालिक नमस्कार, ये टमाटर आया है। मालिक क्या हाल है? टमाटर क्या भाव बेच रहे हैं? टमाटर 14-15 रुपये बेच रहे हैं। 14-15 रुपया? रेट बढ़ाएंगे नहीं क्या, नीचे ही रखेंगे क्या? बाजार के ऊपर डिपेंड है। बाजार के ऊपर डिपेंड है। तो कहाँ का, मेघालय का माल है का आसाम का? नहीं, ये माल आपका गोलाघाट का है। आसाम का हो गया ना? हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ ना, मेघालय का एक आसाम का। तो ये टमाटर लोकल कितने दिन चलता है? लोकल तो आपका 6 महीने चलता है। 6 महीने चलता है, मतलब बाहर के टमाटर की जरूरत नहीं पड़ती आप आसाम में? पड़ती है। कब? 6 महीना लोकल, 6 महीना बाहर। 6 महीना बाद? अच्छा, 6 महीना बेंगलोर नासिक का, मतलब 6 महीना अपने आसाम का लोकल चलता है, 6 महीने बाहर से आता है। ओह चलो, धन्यवाद भाई। तो ये था हिमांशु एग्रो यूट्यूब चैनल। ये डेली फ्रूट्स वगैरह का भाव भी आता है, सबका भाव मिलता है। तो ये कौन मर गया? खेती वाला नहीं, कभी नहीं मरता। मर गया तो उसको दाम ही नहीं मिल रहा है, तो मर ही गया ना। हाँ, वैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखे, कच्चा माल है तो होगा ही होगा, तो दाम ही नहीं मिल रहा है। तो ट्रेवल खर्चा है। हाँ, वो तो क्या मिलेगा, मतलब अभी, मतलब किसानों की, आपके कहने के मतलब किसानों की हालत खराब है? किसान का हालत खराब ही है। किसान का हालत खराब है, यहाँ बिक्री नहीं है इसकी वजह से। ये गाड़ी में आपको एक टन से ज्यादा आने का ऑर्डर नहीं है। जो पहले 2 रुपया भरा पड़ता था, अभी 4-5 रुपया पड़ रहा है। ओह, ये ट्रे का दाम 50 रुपया पड़ता है। तो ये मतलब ट्रांसपोर्ट वालों की वजह से आपको घाटा ज्यादा लग रहा है? हम लोग को घाटा ही है, माल बेच रहा है, कभी घाटा होता है कभी खराब। तो मतलब मैं मैन वही हो गया ना, जिसमें 2 टन माल आता था, अब 1 टन माल आता है, तो भाड़ा डबल हो गया। डबल हो गया, एक टन आप माल लेके आइएगा, भाड़ा पड़ता नहीं होगा आपका। डीजल खाता है 10 लीटर, 5 लीटर में थोड़ी लेके आए, लेकिन नहीं लेकर आइए तो उतना ही खाएगा जितना चाहिए इसको। सही बात है आपकी। इधर ये कैप्सिकम है, देखते हैं कैप्सिकम किसकी है, अगर दिखाई देता है तो भाव जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भाव चल रहा है। लेकिन कैप्सिकम वाला तो नहीं दिखाई दिया, तो इधर देखते हैं करेला वरेला क्या भाव बिक रहा है। तो देखते हैं, ये इधर ये तोरू वगैरह है, इधर ये करेला है, करेला है उधर ही। मालिक कहाँ भाग रहे हैं? तो ये मतलब वही चक्कर है।
तो इधर देखते हैं, इधर हर कोई, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी वही है कि कोई हर कोई भाव नहीं देता। मालिक नमस्कार, करेला क्या भाव बेच रहे हैं? अरे क्या भाव बेच रहे हैं? 80 रुपया क्या केजी पल्ला? पल्ला तोरू क्या भाव बेच रहे हैं? 140 रुपया पल्ला। ओ और वो क्या है, वो क्या भाव बेच रहे हैं? 100 रुपया पल्ला। तो ये सारे उसके रेट थे पल्ला के, जो आप देखे कि तोरू हो गया, इधर इस साइड में ये भात करेला है, तो ये भी जानने की कोशिश करते हैं ये क्या भाव बिक रहा है। मालिक भात करेला क्या भाव बेच रहे हैं? बिना नहीं है, प्राइस चाहिए, भाव चाहिए, भाव चाहिए। हाँ क्या भाव बेच रहे हैं? कितना लेगा आप भाव बताइए ना। 35 रुपया किलो। चलो धन्यवाद, इतना गुस्से में क्यों देख रहे हैं भाई? नहीं हम तो लेता नहीं ना, हम तो भाव देता है लोगों को, पूरी दुनिया को भाव देता है, खाली इसी को नहीं पूरी दुनिया को, इंडिया को भी नहीं, भाव देने का काम है मेरा। देखिए वीडियो मोबाइल के अंदर देखिए, हिमांशु एग्रो मारिए, सारे भाव आ जाएंगे, यहाँ के नहीं पूरी दुनिया के भाव आएंगे। हाँ देखिएगा, देखिए आपका वीडियो अभी भी बन रहा है, हिमांशु एग्रो 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 कार्ड दे दें हैं? हाँ कार्ड दे देता है, लो ये देखिए ये लिखा हुआ है इसके अंदर हिमांशु एग्रो। देखिए आप अपना वीडियो जो अभी चल रहा है अभी ये भी आएगा, तो आराम से देखिए। डेली भाव आता है, खाली इसका ही नहीं, फलों का भाव भी आता है, मसालों का भाव भी आता है, सब भाव आता। हाँ यूट्यूब में नहीं कोई नहीं है, अपना वीडियो देखिएगा अच्छा लगेगा देख करके। तो ये भाई साहब लोग थे जिनको ऐसा लगा कि शायद मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये रियल फैक्ट्री है कि वीडियो इनके भाव के लिए ही बनाते हैं। तो चलिए ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, तो इस वीडियो का तो यही, कैप्सिकम वाले तो अभी भी नहीं मिले, नहीं दिखाई दिए, सिर्फ लेबर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।